उम्मीद कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ये देख लीजिए रूम, और ये मुनू बदमाशी चल रहा है। मुनू का बेड भी फटा दिए, पूरा पेंट भी एकदम बेकार कर दिए हैं। इधर है लेबर रूम ओ साइड, क्योंकि बाहर में सबका चूल्हा है तो आप लोगों को अजीब दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं। और ये है इधर साइड कुछ कुछ ऐसा है हमारा फार्म, और इधर चूल्हा बनाए थे, कुछ कुछ बनाए थे इधर खाने के लिए, जब आए तो कुछ भी सुविधा नहीं था। तो ये हमारा होता है एंट्री, है ना। तो सबसे पहले दरवाज़ा खोलने के जस्ट बाद कुछ रूम ऐसा है सीधे में, वहाँ जो है मेरी सास सोती है, उसका बैग उधर है, उसका बिस्तरा उधर है, और ये थोड़ा खाली वाला पोर्शन। सबसे बड़ा रूम जो है ये सामने का ही है, इधर आलू प्याज टमाटर कुछ कुछ रखा हुआ है। इधर देख लीजिए, ये राइट का एरिया है, जो दरवाजे के जस्ट राइट का एरिया। तो किचन इसी में अटैच है और अलग से बना नहीं है। तो अभी मैं चावल चढ़ाई हूँ, तो देख लीजिए कुछ ऐसा है, और इधर बेसिन वगैरह लगा है, और इधर बर्तन, तो ये राशन का सामान। तो थोड़ा अभी अभी नए आए हैं तो अच्छे से जमाए नहीं है, सब्जी कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। दो चार टमाटर दिख रहे होंगे, टमाटर तो इधर भी बहुत सारे हैं। तो कुछ ऐसा सा है, और हीटर में बना रही हूँ आज, और इधर कुछ कुछ डब्बे वगैरह रखे हैं। तो ये है सबसे फर्स्ट वाला रूम, जो कि सब मतलब दो रूम के बराबर है, बड़ा है, अच्छा बड़ा है। और इधर कुछ मिक्सी वगैरह है, इधर मोनू का खिलौना था जिसको मैं बोरी में डाल दी, क्योंकि बहुत फैलाते हैं मोनू, अभी फिर से निकाल के उसको वैसे ही कर देंगे। तो ये है बाथरूम, जो कि सिंपल बाथरूम है, बाथरूम का दर्शन नहीं करवा सकती अभी। और इसमें कुछ कुछ सामान है जो यूज़ नहीं होते ऊपर में सबसे, और क्या हो रहा है यार, बाकी बीच में कुछ कुछ स्वेटर है, और इधर पैंट वगैरह कुछ कुछ रखा हुआ है। और जो सेकंड वाले में है, तो ये सब मेरा ही कपड़ा है, मतलब इतना जो है वो मेरा कपड़ा है, तो देख सकते हैं आप लोग, इतना ही है मेरा कपड़ा और नहीं है। और ये देख लीजिए, तो ये है बाथरूम, और रूम का जो बीच वाला पोर्शन है, थोड़ा सा जगह है इसमें, तो ये लगा, ये सीट का ही घर है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें टाइल्स लगे हुए हैं, बस इतना है। और ये बाथरूम है, तो बाथरूम ऐसे सिंपल है, दिखाई देती हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं। बाथरूम कुछ ऐसा है जिसको हम लोग 10 बार धो चुके हैं, फिर भी ये ऐसा ही है और नहीं जा रहा है। मतलब ये सीमेंट है, जो ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ सीमेंट वमेंट कर रहे होंगे तो गिरा होगा, तो नहीं जा रहा है वो कलर, कितना कोशिश किए धोने का फिर भी नहीं जा रहा, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल छोटा सा बाथरूम है। अब चलते हैं, ये जो एंट्री वाला दरवाज़ा है ये है, अब उसके जस्ट लेफ्ट में हमारा रूम है, जो कि एक दुपट्टा लगा हुआ है, और ये यहाँ हम लोग सोते हैं। और यहाँ पे मेरा कुछ कुछ क्रीम पाउडर वगैरह है, आईना है, इधर मोनू का कुछ खाने का है, इधर चार्जिंग लगाते हैं, और इधर मोनू के बाप का कपड़ा है, और मोनू का है ना, तो कुछ ऐसा है। और उधर एक बोरी रखा हुआ है, बाकी आप लोग ये सोच रहे होंगे बेड में हम लोग सो रहे हैं, तो बेड नहीं है ये, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये है लकड़ी, और लकड़ी के ऊपर बना हुआ है पुट्ठा, तो मोनू के लिए ऊपर में सोना पड़ता है, क्योंकि उसके कान में कुछ चला ना जाए बोल के डरते हैं इसी वजह से। हाँ देख लीजिए, मोनू अभी उड़दम मचा रहे थे, और ये मोनू का गोला, इसको इसका नाम गोला है, और ये मोनू का खरगोश है, देख सकते हैं आप लोग। और उधर मैं सोती हूँ लास्ट में वहाँ पे, क्योंकि मुझे कोने में सोना पसंद है, और मतलब दीवार में टिक के रहना सोना पसंद है। और मोनू यहाँ पे सोता है, उसका बाप यहाँ पे सोता है, और ये इसमें ये लगा हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं, लकड़ी और ईंट से बना हुआ है, ये जो बनाए हम लोग देसी जुगाड़ वाला। तो कुछ रूम ऐसा है दोस्तों, और क्या बताएं, जो भी जैसा भी मिला है रहना पड़ रहा है, और रहेंगे और क्या करेंगे। बाहर का एरिया दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो बाहर का एरिया कुछ
इस तरीके से है फार्म वो, जो कि बहुत ज़्यादा सामने गंदा है। और ये मोनू के काम देख ले, ले 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 ले। हाँ हो गया, नहीं दिखाई तो कम से कम ये 50 मीटर तक अभी नहीं है। फिर उसके बाद इधर बना हुआ है, बीच में घेरा लगा हुआ, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ सामने से। सो हाय दोस्तों, तो आप लोगों ने मेरा घर देख लिया होगा। और क्या बोलूँ आप लोगों से, समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं थोड़े टिक जाती हूँ और अच्छे से बात करती हूँ। तो खुद का तो नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जहाँ काम करेंगे वहाँ का है, यहाँ खाना पीना सब अपना खर्चा है। और बहुत ही मुश्किलों से मतलब हम लोगों का दिन गुजरा है अभी कुछ दिन, जो कि बहुत ही मतलब बेकार रहा, जिसके वजह से पूरा मेरे फेस में पिंपल, टेंशन, डिप्रेशन सभी चीज़ मेरे को लग रहा था। इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया था हमारा, और पैसे भी नहीं मिल रहे थे। 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, पैसे भी नहीं मिल रहे थे। आप लोगों को बोलते कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी लोगों को लगता है कि नहीं ये लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे गुजरे हैं, कैसे रहे हैं हम लोग जानते हैं। और देखो परदेश में रह रहे हैं हम अब कमाने के लिए, और जो भी है अपना मतलब घर से ही चले, घर में जाके बैठ जाएंगे तो कोई खिलाने वाला भी नहीं रहेगा। तो मेरे को पता नहीं, ऐसे जब भी मतलब बात बात करती हूँ मोबाइल को देख के मेरे को उबासी ये क्यों आता है, नींद नींद स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, और अभी मतलब नहाऊंगी मैं, तो सोचा पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ऐसे ही घंटा हमारा बीत जाएगा, फिर मेरे को राइस पकाना था, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं सोची कि नहीं पहले वीडियो एडिट वगैरह कर देते हैं और फिर उसके बाद नहाएंगे। नहाने का क्या है, नहाना उतना ज़रूरी नहीं है, वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट लेट में गया है बिल्कुल भी। 3 महीने से मेरे को यूट्यूब का 1 रुपया भी नहीं मिला है, बहुत ही ज़्यादा मतलब लो है। उसका डॉलर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, $8-7 बढ़ रहा है महीने में, तो मेरा बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है। और आप लोग सोच नहीं सकते हैं 3 महीने से मेरे एडसेंस में बस $17 है। $17 का कितना पैसा होगा आप लोग समझ जाना, जो $72 $1 का, तो $17 का कितना होगा समझ जाना आप लोग, $17 है। और जब तक $100 नहीं होता यूट्यूब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं डालता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और घर कैसे लगा कमेंट करके बताना, और यहाँ भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे काम में नहीं लिया है वो, और उसकी माँ दोनों जा रहे हैं, क्योंकि जिनका बच्चा है वो कर पाएगा कि नहीं ऐसे बोल रहा है। तो जैसे अगर मुझे नहीं लेता है तो हम लोगों को दूसरी जगह फिर से जाना पड़ेगा, और दिक्कत जो है वो कम नहीं हो रहा है। बाकी क्या कर सकते हैं, वहाँ तो मैं बच्चा लेके भी काम कर रही थी, सभी फार्म में बच्चा लेके काम करने देते हैं, लेकिन यहाँ देगा कि नहीं देगा नहीं पता। और हम लोग अपना कुछ करेंगे सोच के रखे थे इस महीने, लेकिन हमारे जो हैं 2-3 महीने के पैसे रुक गए, नहीं मिले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ जिसके वजह से। और मैं आप लोगों को बताऊंगी काम क्यों छोड़े, क्या हुआ, क्या परेशानी हुआ, और अभी नहीं बता सकती, एक उसके लिए प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं और बताऊंगी। और अभी जस्ट नहा धो के तैयार होके वो वीडियो ही शूट करूंगी, ये वाला वीडियो अपलोडिंग में छोड़ के वो वाला वीडियो शूट कर लूँगी, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और मेरा रेगुलर वीडियो इसी वजह से नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा था, और इतना परेशान थी मतलब कुछ भी अच्छा नहीं, ना खाना पीना रहना कुछ भी ठिकाना नहीं, कैसे करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ना घर नहीं जा सकते ना यहाँ रह नहीं सकते, ऐसे प्रॉब्लम था। और हम दोनों को ही टेंशन हो रहा था, मनु के पापा को मेरे को, क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, जो बाकी हैं उनको क्या है खाना है और पैसे उनको अपने घर वालों को भेजना है, लेकिन हमको तो कमाना है, खुद को खर्च करने हैं, बच्चे को खर्च करने हैं, अपने ऊपर खर्च करने, घर चलाना है, फिर दूसरों को भी पालना है, ये वाला काम है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था हमारे लिए। और फिर फार्म ढूंढो, दूसरी जगह आओ, काम करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ऐसे। और यहाँ भी कुछ वो नहीं हो रहा है, तो फिर से देखो रह रहे होते हैं, फिर अचानक से काम छोड़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और
दूसरे जगह में काम इसलिए नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता कि दूसरे जगह में काम करने के लिए क्या बोलते हैं बच्चे को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा ये वाला डर रहता है, इसीलिए फॉर्म में है। क्योंकि मोनू छोटा है और मेरे मम्मी पापा के पास उसको छोड़ भी नहीं सकते ना, वहाँ भी नहीं रह सकते, क्योंकि छोटा बच्चा अभी कैसे रहेगा, 3.5 साल हो रहा है मोनू को, और यही दिक्कत है। तो देखते हैं, जितना हमारा सेविंग करके रखे थे पैसा वो तो हमारे मोनू के इलाज में चला गया, घर जाएंगे बोल रहे थे उसी पैसे से। बाद में जो 1 महीने का सैलरी मिला था उसको रखे थे, तो 2-3 महीना फिर क्या बोलते हैं पेमेंट नहीं मिला तो उसमें वो सारे पैसे खर्चे हो गए। तो यही हो रहा है हमारे साथ, पता नहीं क्यों इतना बुरा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कोई भी दिन अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों, जितना भी पैसे कमा रहे हैं। मैं सोची कि चलो यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रहा है तो मैं काम करती हूँ, काम भी मैंने 2 महीने किए, तो काम भी देखो काम भी कर रहे हैं अपन, पैसे आ भी रहे हैं तो भी वो पैसे नहीं टिक रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब समस्या बहुत ज़्यादा हर तरफ से घेर रहा है। और जब पैसे आने का हो रहा है तो सामने वाला व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, ये वाला भी बात हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम हुई हो, काम क्यों छोड़े, पुलिस वुलिस केस पूरा हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेसब्री से, मुझे भी वो वीडियो बनाने का इंतज़ार है, आप लोगों को भी देखने का इंतज़ार होगा कि हम लोगों ने काम क्यों छोड़ा और क्या परेशानी आए, पुलिस स्टेशन तक जाना क्यों पड़ा था, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो बाय बाय दोस्तों, सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी।